का ऊपर अत्याचार का ऊपर अत्याचार होता है, आप कितना नजीर दिखाएगा आपको? अगर मुस्लिम लोग का कोई कुछ करेगा सांग सांग वो हिंदू को पकड़ के लेके चले जाता है। यह लाभ जहाद भी ज्यादा होता है, या हिंदू लोग कोई मुस्लिम एरिया में नहीं जा सकते। अगर मुस्लिम लोग हिंदू एरिया आके हिंदू लड़की का साथ बर्ताव करता है, उल्टा सीधा बात करता है, लेकिन हम लोग प्रतिबाद करने जाता है तो थाना आके हमको ही उठाए लेके जाता है। दीदी काकीनाड़ा में एक छोटा छोटा लड़का बोल रहा है, बारे में बात कर रही हूँ मैं, आज उस समुदाय की बात कर रही हूँ दोस्तों, जिनका वजूद, जिनका खुद का अस्तित्व डगमगाया हुआ है, जो अपनी पहचान के लिए डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन वहीं एक तरफ वो इतने पावरफुल हैं कि उनके पास नरेंद्र मोदी भी आशीर्वाद लेने आते हैं, ममता बनर्जी भी नतमस्तक करती हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी पूरा समुदाय के साथ बैठकर भोजन करते हैं। एक तरफ जहां वो इतने डरे हुए हैं कि उनको कभी भी ऐसा लगता है कि उन्हें हिंदुस्तान कहीं छोड़कर जाना न पड़ जाए, वहीं दूसरी तरफ वो इतने पावरफुल हैं कि उनकी पूरी कम्युनिटी डिसाइड करती है कि सरकार किसकी होनी चाहिए और किसकी नहीं। उन वो इतने पावरफुल हैं कि उनके हाथ में सरकार की फेरबदल है। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ मटुआ समुदाय की, पर ये मटुआ समुदाय है कौन? ये कौन है मटुआ माता, कौन है बोरो माँ, कौन है जिनके पास खुद नरेंद्र मोदी आशीर्वाद लेने गए, कौन है जिनके वजह से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन पाई, कौन है और वो क्यों वहाँ अमित शाह जी को जाकर उनके साथ बैठकर खाना खाना पड़ा? तो इसी पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। आज बताऊंगी मैं आपको मटुआ समाज की, जहां बंगाल चुनाव की किस्मत कहीं ना कहीं मटुआ समुदाय पे डिपेंड करती है कि जिस तरफ मटुआ समाज उसका सरकार, लेकिन वहीं आज का वक्त ऐसा है जहां मटुआ एक तरफ टीएमसी से नाराज है तो दूसरी तरफ बीजेपी से कोई खुश बीजेपी के साथ भी कोई खुश नहीं है, बीजेपी के साथ भी कुछ ज्यादा उनका अच्छा भला रिश्ता नहीं है। पर इसका कारण क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले आपका जानना जरूरी है कि ये है कौन, कहां से आए हैं, इनका वजूद क्या है और क्यों अपने वजूद और अस्तित्व के लिए आज भी ये लड़ रहे हैं, और इतना होने के बाद भी क्यों ये दुनिया को रोशन तो कर रहे हैं पर दिए तले अंधेरा है। तो आइए मैं बात करती हूं और ले चलती हूं आपको उस वक्त जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था और देश अंग्रेजों के हाथ में था, और यह लगभग 17वीं शताब्दी की बात है जब हरिचंद ठाकुर नाम के एक शख्स आते हैं और उन्होंने एक मटुआ समुदाय, मटुआ महासभा का संगठन किया। मटुआ महासभा 1947 में हरिचंद ठाकुर के बेटे ने आकर पश्चिम बंगाल के ठाकुर नगर में अपने समुदाय के आस्था का एक केंद्र रखा। जैसे जैसे आबादी बढ़ी वो सियासत में उनका कदम आगे बढ़ता गया, उनका दखल अंदाजी सियासत की तरफ गया, और 1947 में उस वक्त उनका झुकाव कांग्रेस की ओर था, और उस वक्त 1962 में पहली बार हरिश्चंद्र ठाकुर के परिवार से उनके बेटे परामर्थ रंजन ठाकुर कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं और नाडिया जिला के हंसकली के विधायक बने। वहीं पे मटुआ समुदाय के नाडिया जिला के पास, जो नाडिया जिला का मटुआ समुदाय था और उसके आसपास जितने भी जिले थे उस पे उसका प्रभाव बढ़ता चला गया, और वो जिला बांग्लादेश से सटा हुआ है, बांग्लादेश के करीब है। इसका असर ये हुआ कि 1947 में जब पूरा देश कांग्रेस विरोधी लहर में चला था, उस वक्त मटुआ समुदाय ने भी कांग्रेस के खिलाफ में आकर आवाज उठाई और कांग्रेस का दामन छोड़कर लेफ्ट का दामन पकड़ा, और इस वजह से काफी वर्षों तक ये लेफ्ट के साथ बने रहे और लेफ्ट की सरकार बंगाल में बनी रही। 1990 में परामर्थ रंजन ठाकुर की मौत हो गई और उनकी पत्नी वीणा देवी ठाकुर ने इसका पूरा कार्यभार संभाल लिया। मटुआ समुदाय की कार्यधरता और यूं कहूं तो
बोरो माँ, जो बोरो माँ, बोरो माँ मतलब कि बड़ी माँ, बोरो माँ के नाम से प्रसिद्ध हुई, मडुआ माता के नाम से भी जाने लगी। उनका कहा हुआ एक पत्थर का लकीर, जो उन्होंने कहा पूरा समाज, पूरा मडुआ समुदाय, पूरा संगठन उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के इशारे पर चलने लगा। वो बन गई मडुआ समुदाय की बोरो माँ। और उतना ही नहीं, 2009 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को मडुआ समुदाय का समर्थन मिला, क्योंकि ममता आपा को पता था कि एक बोरो माँ ही है जिनके वजह से मुझे कहीं ना कहीं मेरा बेड़ा पार लगेगा, और इस वजह से उन्होंने अपना समर्थन बोरो माँ से लिया। और इस वजह से 2010 में ममता दीदी को मडुआ महासभा ने मडुआ महासभा का मुख्य संरक्षण घोषित कर दिया, और इसका सबसे ज्यादा असर ममता दीदी को विधानसभा चुनाव में मिला। 6-7 लोकसभा की सीटें का मतलब लगभग 40 विधानसभा की सीटें हो जाती है, जिसका मतलब ये हुआ कि ममता दीदी 2011 में मडुआ समुदाय की मदद से मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो गई और वो मुख्यमंत्री बन गई। दोस्तों इतना ही नहीं, 2014 में जब लोकसभा का चुनाव था, जब चुनाव होने वाला था, तो बोरो माँ के बड़े बेटे को टीएमसी से टिकट मिला, जिनका नाम था कपिल कृष्णा ठाकुर। कपिल कृष्णा ठाकुर को टीएमसी ने टिकट दिया और वो बनगांव से जीत कर वहां के सांसद बन गए। 2014 में ही अचानक से कपिल कृष्ण ठाकुर की देहांत हो जाने के बाद उपचुनाव हुआ और वहां से ममता कृष्ण ठाकुर, जो उनकी पत्नी थी, उसे सिलेक्ट किया गया और आगे उन्होंने कंटिन्यू किया। पर अचानक 2000 और यही एक कारण था दोस्तों कि जहां पे मोदी लहर होने के बावजूद भी मडुआ समुदाय की वजह से, मडुआ समुदाय संगठन की वजह से बीजेपी 2016 के चुनाव, 2016 के विधानसभा के चुनाव में कुछ खास नहीं कर पाए, कुछ खास उनका असर नहीं दिख पाया, और तब इसका पूरा कार्यभार खुद नरेंद्र मोदी ने संभाला। वहीं पे 2019 में, जब आपको याद होगा, खुद नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बोरो माँ से मिलने आए, उनका आशीर्वाद लिया और फिर चुनाव के लिए उन्होंने श्री गणेश किया। लेकिन 2019 के मार्च में बोरो माँ का देहांत हो गया, और जैसे ही उनका देहांत हुआ, उनके परिवार में राजनीतिक विवाद बढ़ने लगा, और इसकी वजह से जहां पे एक तरफ एकता की बात हो रही थी, संगठन की बात हो रही थी, जब पारिवारिक विवाद बढ़ा, तो बोरो माँ के छोटे बेटे कृष्ण ठाकुर, मंजुल कृष्ण ठाकुर ने बीजेपी को ज्वाइन किया, और उनके बेटे शांतनु ठाकुर को बीजेपी से टिकट मिला और वो लोकसभा का उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीत कर, और यही वजह थी कि लोकसभा के चुनाव में 18 सीटें बीजेपी हासिल कर पाई। अब वहीं पे ममता दीदी से नाराज क्यों है और बीजेपी से नाराज क्यों है ये मडुआ समुदाय? क्यों आखिर इतना पावरफुल होने के बाद भी पूरा मडुआ समुदाय डरा हुआ है? लेकिन एक तरफ ममता आपा भी खुश करने में लगी हुई है और बीजेपी भी खुश करने में लगा है, क्योंकि इससे तो आपको सही पता चल गया होगा कि एक ऐसा समुदाय है जिस पर उन्होंने नजर डाला, जिसका हाथ थामा, उसकी सरकार बनी, और इसका सही सही उदाहरण तभी हम मान सकते हैं और ये देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस का हाथ और दामन छोड़ते ही लेफ्ट का हाथ पकड़ा मडुआ समुदाय ने, और लेफ्ट की सरकार बहुत दिनों तक बनी रही। ममता आपा को भी पता था कि एक ऐसा समुदाय है जहां से मैं आशीर्वाद लूं, जहां पे जाके मैं नतमस्तक हूं, और बोरो माँ का आशीर्वाद मिलते ही, और आशीर्वाद के साथ साथ उन्होंने विश्वास जीता कि जो बांग्लादेश से आए हैं, जो पाकिस्तान, जबकि आपको पता होगा ये आपको ये पूर्वी पाकिस्तान से जोड़े रखने, बांग्लादेश से, बांग्लादेश का जब गठन हुआ था, बांग्लादेश के गठन के बाद ये पश्चिम बंगाल के हिस्सों में आ गए थे, तो अभी बहुत ऐसे हैं जिनको की पहचान नहीं मिल पाई, ये बहुत ऐसे हैं जिनके पास अभी तक कोई अपना पहचान पत्र नहीं है, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो इनका जो सबसे पहला, ममता आपा ने इनको यही विश्वास दिलाया था कि ये अपने खुद के भूमि का अधिग्रहण कर पाएंगे, खुद का इनका अपना भूमि होगा, अपना क्षेत्रफल होगा, खुद की इनकी पहचान होगी, और जब
बात हो रही थी सीए और एनआरसी का, इस बात को लेकर उन्होंने आंदोलन छेड़ा था और विरोध किया था और इनके सहयोग में आवाज उठाई थी। लेकिन जैसे ही इनकी सरकार बनी, हमेशा की तरह इन्होंने धोखा दिया। इन्होंने मटवा गांव के लिए नंदीग्राम और नानून की तरह ही कुछ भी नहीं किया और फिर झूठे वादों की तरह अभी तक आज भी वो रो रहे हैं, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा। दोस्तों, एक तरफ जहां पे ममता आपा से इसलिए नाराज है क्योंकि उन्होंने वादा करके वादा तोड़ा, दूसरी तरफ उनकी नाराजगी बीजेपी सरकार से इसलिए है क्योंकि ये सीए और एनआरसी का जो कानून आया था तो उस वक्त उनको यही बताया गया था कि इसमें मटवा समुदाय का भी नाम है। तो जो लोग इतने वर्षों से बंगाल में रह रहे हैं, जिन्होंने अपनी पहचान इतनी मजबूत बना रखी है, जिनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि लोग चुनाव के टाइम इनके सामने आकर नतमस्तक होते हैं, मदद मांगते हैं, इनका मदद मतलब सत्ता का हेर फेर, उनका उनके वजह से इतनी सारी चीजें बदल जाती है, उनकी पहचान को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, उन्हें हिंदुस्तान से भगा दिया जाएगा, इस तरीके की बातें हुई, जिस वजह से ये बीजेपी से भी नाखुश है, जबकि इनका खुद का सांसद मोटो बोरोमा का छोटा बेटा बीजेपी में है, फिर भी वो भी कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहे हैं। तो 2021 के चुनाव में अब देखना ये है कि अब मटवा समुदाय किसका समर्थन देती है, किसका सहयोग करती है, ममता आपा का या बीजेपी का, क्या अमित शाह ने जो उनके नमक खाई है, जो उनके साथ बैठकर भाईचारा दिखाया है, क्या उसका असर क्या इस 2021 के चुनाव में दिखेगा, या ममता आपा का जो दंगाई है, दहशतगर्दी है, झूठ फरेब धोखा जो वर्षों से चलता आया है, जिन्होंने जब से सियासत संभाली है सिर्फ और सिर्फ बंगाल को सिर्फ घुसपैठियों का सहारा दिया है, सिर्फ बम विस्फोट को बढ़ावा दिया है, गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया है, या यही कंटिन्यू रहेगा। बंगाल की किस्मत और बंगाल के लोगों की किस्मत इस 2021 के ऐतिहासिक चुनाव पर डिपेंड करती है। ये था मटवा का इतिहास, ये था मटवा का सच्चाई, ये थी मटवा के का एक ऐसा सच जिसका जानना आप सबके लिए बहुत बहुत आवश्यक था। तो देखते हैं 2021 चुनाव में मटवा समुदाय किसका साथ देती है, बोरोमा का परिवार अब क्या एक नया इतिहास लिखने में किसका सहयोग देती है, ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जो आगे जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।